आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजूम। वक्त हो गया है अपना एमपी का। पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस फसलों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर किसान न्याय यात्रा और ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। भोपाल में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा और ट्रैक्टर रैली को लेकर पुलिस के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए भोपाल पुलिस ने सूरजनगर तिराहे पर बैरिकेड कर जेसीबी खड़ी कर दी है। किसान न्याय यात्रा के ट्रैक्टर्स को यहीं पर रोके जाने के निर्देश हैं। तस्वीरें जो अभी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं वो इंदौर की हैं। तो पूरे ही प्रदेश में इस समय ये कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा और ट्रैक्टर रैली तो भोपाल के साथ साथ इंदौर में भी ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच किस तरह से बैरिकेड को हटाने के लिए झड़प हो रही है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड हटाना चाहते हैं और बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़े सुरक्षा बल उन्हें रोक रहे हैं बैरिकेड के जरिए आगे बढ़ने से। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये कार्यकर्ता किसी भी हाल में आगे बढ़ने के लिए जूझ रहे हैं। तो किसान न्याय यात्रा, सोयाबीन पर एमएसपी सरकार ने बढ़ाई लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है किसान। 6000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं और इसीलिए किसानों के लिए न्याय यात्रा की बात। ट्रैक्टर मौजूद है साथ में, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी है। ट्रैक्टर बैठे आगे जाने नहीं दिया जा रहा आप लोग। ये तानाशाही है जो हमने परमिशन ली, आपने जो रास्ते बताए उस पे गए, उसके बाद भी ये डंपर और जेसीबी। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश बताएं वहां पर अभी क्या चल रहा है। जीतू पटवारी से भी आपने बात की। जीतू पटवारी से हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, जबकि हमने प्रसाद इसकी अनुमति ली थी। और इस वक्त में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कई दफा ऐसा लगा कि जब ट्रैक्टर आगे निकालना है तो पुलिस को थोड़ा सा बल का भी प्रयोग करना पड़ा, लेकिन इस वक्त जिस ट्रैक्टर पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी मौजूद है, उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी है, और ट्रैक्टर को बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया और बैरिकेड के ठीक आगे दो डंपर लगा दिया गया है और उसके आगे पुलिस की कड़ी सुरक्षा भी है। यानी आगे चप्पे चप्पे पर उस पूरे रूट पे कलेक्ट्रेट जाने तक के पूरे रूट में पुलिस का भारी फोर्स मौजूद है। तो दूसरी तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो आगे जाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास अनुमति है, किसान न्याय यात्रा है, किसानों की मांगों को लेकर, किसानों के अधिकार को लेकर ये कांग्रेस के द्वारा यात्रा निकाली जा रही है और हमने इसके लिए बकायदा परमिशन लिया गया था। ये रोकना ठीक नहीं है, रोकना गलत, और इसी बात को लेकर प्रशासन और पुलिस और मंत्री माफ कीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच में काफी बहस भी देखने को मिली। ट्रैक्टर के ऊपर इस वक्त वो बैठे हुए हैं, गाड़ी आगे ले जाने की जिद पर अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा देखने को भी मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, जीतू पटवारी कह रहे हैं, सुन लेते हैं पहले। अगर की तो फिर आप जाने को नहीं दे रहे हो। ये किसानों का 6000 रुपया सोयाबीन का भाव मामला गुना है क्या? ये गुना है कि किसानों के आपने वादे किए थे वो वादा खिलाफ निकले, गुना है क्या? आपने सुबह सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाला था और जिसमें कहा था कि किसानों को अंदर नहीं आना चाहते। बिल्कुल, और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है इसका। मेरा सबसे कहना है, मेरा कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात कहना चाहते हैं प्रशासन को। किन मांगों को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन है?
तो यहाँ एक कार्यकर्ता को चोट भी लगी है और जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं को समझा भी रहे हैं कि ज्यादा उत्तेजित ना हो यहाँ पर। लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक्टर पर मोर्चा संभाला हुआ है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने, और आगे बढ़ने को लेकर जूझ रहे हैं कार्यकर्ता। फसलों की एमएसपी बढ़ाने की मांग है किसानों की, और किसानों की इसी मांग को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। और प्रदर्शन के दौरान झड़प भी हो रही है, सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी यहां पर देखने को मिल रही है, संघर्ष यहां पर देखने को मिल रहा है। बैरिकेड्स को हटाकर किसी भी हाल में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये ट्रैक्टर रैली देखिए, किसान न्याय यात्रा ट्रैक्टर रैली का आयोजन कांग्रेस की ओर से किया गया, और इंदौर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बड़ी संख्या में यहां कार्यकर्ता हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। जेसीबी लगाकर जहां एक तरफ भोपाल में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, भोपाल और इंदौर दोनों ही जगह की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी संख्या में दोनों ही जगहों पर पुलिस बल की तैनाती है, सुरक्षा बलों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। किसान न्याय यात्रा में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अलग अलग पॉइंट्स पर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, और इसीलिए ये संघर्ष की तस्वीरें भी अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। भोपाल इंदौर की तस्वीरें, भोपाल पुलिस ने सूरजनगर तिराहे पर बैरिकेड लगा दिया है, जेसीबी खड़ी कर दी है। तो इंदौर में भी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर बैरिकेड्स हटाने के लिए जूझ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। खुद जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला हुआ है, ट्रैक्टर पर वो सवार हैं, और किसानों की मांगों को लेकर किसान न्याय यात्रा कांग्रेस ने निकालने की बात कही थी। बड़े बड़े प्रदर्शन इस समय मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी नजर आ रही है। चाहे कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, कभी भर्ती की बात हो, अतिथि शिक्षकों का मुद्दा हो, यूथ कांग्रेस कभी नजर आती है, कभी महिला कांग्रेस, और आज ये बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन।